पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बल हमेशा तैयार रहते हैं। दो दिन पहले जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर से सटे सीमा के पास अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की थी तो बीएसएफ के जवानों ने जमकर पलटवार किया था। बीएसएफ ने पाकिस्तानी चौकियों और उनके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। दरअसल एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले बीएसएफ का एक जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फेंसिंग रिपेयर करने के लिए गया था। उस जवान पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने उस जवान पर फायरिंग की जिसकी वजह से जवान के जबड़े में गोली लगी और उसका इलाज चल रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। बीएसएफ की गोलीबारी में पाकिस्तान के मॉनिटरिंग टावर से लेकर उनकी चौकियों तक को भीषण नुकसान पहुंचा, साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स को भी भारी नुकसान पहुंचा। सेना के मुताबिक बीएसएफ की तरफ से की गई ये कार्रवाई इतनी तेज थी कि सीमा पार से एम्बुलेंस को तेजी से जाते देखा जा सकता था। वहीं सेना के अधिकारियों के मुताबिक किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान बॉर्डर वाले इलाके में पूरी तरह से सक्रिय हैं। सेना के अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय सेना पर हमला किया और आम नागरिकों को निशाना बनाया, मगर इन जवानों ने एक बार फिर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ को खुली छूट दी गई है। सेना और कमांडो को पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई से निपटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 26 अक्टूबर को पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा पर फायरिंग की थी। जवाब में बीएसएफ जवानों ने तुरंत गोलीबारी का जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने निकटवर्ती सीमा चौकियों को निशाना बनाने के लिए अपनी गोलीबारी बढ़ा दी, जिसके बाद इन क्षेत्रों में सेना की अपनी अग्रिम रक्षा चौकियों से उचित तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई। ये गोलीबारी लगभग रात 3 बजे तक चली। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की हरकतों से भारतीय सुरक्षा बल अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमेशा की तरह इस बार भी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानियों का सीमा पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ की बहादुरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।